Jen and class. Today we started chapter 3, give and take. Give and take जो chapter है इसके अंदर हम लोग additions और subtractions पढ़ेंगे. Addition is the process whereby we put object together. Addition वो एक process है जिसमें हम सारे objects को क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं. जैसे example लिए 25 copies long है और 32 copies short है, तो total कितनी copies होंगी. अब इनको लिखेंगे 25 + 32, आंसर इज 57. तो क्या हुआ, लॉन्ग कॉपी और शॉर्ट कॉपी दोनों को हमने क्या किया, एक साथ कर दिया, तो टोटल कितनी कॉपीज हो गई, 57 कॉपीज. अब इसमें हम लोग कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं, जैसे ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एडेंट एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड एडेंट एंड आंसर इज सो सम. आंसर को सम्स कहते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ प्लस. नाउ अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. द फर्स्ट प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी. जीरो प्रॉपर्टी का क्या रूल है, तो कैट हियर 315 + 0, आंसर इज 315. एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ 0 + 315 इज आंसर इज 315. मीन द सम ऑफ जीरो एंड एनी नंबर इज द नंबर इट्सेल्फ. मीन जीरो में कोई भी नंबर ऐड करोगे आंसर वही नंबर होगा. जैसे यहाँ पे 315 में जीरो ऐड हुआ बट आंसर क्या आया, 315. इसी तरह ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या होता है, दैट इज 282 and 316, दैट इज एडेड 6 + 2 = 8, 819 and 325 = 598. एंड नाउ लुक एट हियर द ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ एडेंड. हमने एडेंट्स की ऑर्डर्स को क्या किया, चेंज कर दिया. 316 write their first addend and 282 write in second addend. But answer, look at here, 628, 819 and 325, 598. Have change the addend order but answer is same. That is the properties of addition. And write the two way of addition, a horizontal way hota hai and vertical addition. Ye do tarike hote hai additions ko likhne ke liye. Horizontal way, if the give example of a horizontal, 3 + 6 = 9 and 12 + 20 = 32. Vertical में क्या करते हैं, 6 + 3 = 9 हो जाता है और 12 + 20. That is the way of writing vertical. Okay class, thank you.